और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 1 नवंबर से जनूबी पंजाब का दौरे का आगाज रहीम यार खान से कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंडाल को सजाने और स्टेज बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि तब्दीली से मायूस आवाम अपने मसीहा बिलावल भुट्टो का इंतजार कर रही है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा, जलसा होने जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं 1 नवंबर से। इस दौरे का आगाज किया जा रहा है रहीम यार खान से और जलसा गाह की तैयारी की जा रही है। मियां अमर शहबाज साहब जो इस जलसे के मेजबान भी हैं, आप क्या तैयारी कर रहे हैं इस वक्त जलसे के हवाले से? कितनी कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, उनकी आमद के हवाले से कितना जनूबी पंजाब के हवाले से ये समझते हैं कि बड़ा अहम दौरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप ये जो जोश व खरोश देख रहे हैं इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का आमद का जब ज़िला रहीम यार खान में ऐलान हुआ है तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है। और फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ताजर भाई, मजदूर, किसान जो पिछली हुकूमत की वजह से जो एक नाकाम तब्दीली लेके आई जिसने तबाही के समझ के इन तमाम लोगों को तबाही की तरफ ले गई है, वो अब अपना मसीहा या अपनी आसानी या असल तब्दीली वो बिलावल भुट्टो की शक्ल में देख रहे हैं। और ताजर बरादरी में जो मैं खुशी की लहर देख रहा हूँ, हड़ताल तो वैसे ही चल रही है, वो इंतज़ार में हैं कि चेयरमैन बिलावल रहीम या खान तशरीफ लाएं, अपने जो उनके मंशूर जो उन्होंने 2018 में दिया था कुछ उसके बारे में बात करें। और जहाँ तक आप जलसागाह की कुर्सियों ये बातों की कर रहे हैं तो हम तो परेशान हैं कि कुर्सियां तो हम लगाएंगे, लोग भी लाखों में आएंगे, लेकिन परेशान ये हैं कि चेयरमैन बिलावल साहब का जिस तरह लोगों में जज्बा है, हम तो सिर्फ उनकी आसानी और सिस्टम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब वो यहाँ तशरीफ लाएं तो तमाम सुनने वालों को उनका सही पैगाम पहुँचे और इज्जत एहतराम के साथ यहाँ बैठें और जो असल हकीकी तब्दीली वो चाहते हैं चेयरमैन बिलावल साहब की शक्ल में उसकी तैयारी करें। मेंबर सूबाई असेंबली मखदूम उस्मान महमूद भी यहाँ पर मौजूद है। मखदूम साहब, जलसा गाह की तैयारी की जा रही है और बिलावल भुट्टो के जलसा के हवाले से बड़ा अहम दौरा है जनूबी पंजाब का, तो इस दौरे के हवाले से बताइए। जी आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सरदार हबीब रहमान गोपांग साहब का जो कि फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एज डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, और चौधरी जानजेब साहब का जो कि हमारे ज़िला जनरल सेक्रेटरी हैं। पूरे ज़िले को बाखूबी तौर पे इन्होंने मोबिलाइज़ किया है, बिलावल साहब की आमद का पैगाम पहुंचाया है तमाम म्यूनिसिपल्स में, तमाम यूनियन काउंसिल्स में, और इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब का ये जनूबी पंजाब का जो दौरा 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है उसमें बेशतर प्रोग्राम्स हैं जी। रहीम यार खान में उनका एक बहुत बड़ा इज्तमा होगा जिससे वो खिताब करेंगे। इसके फ़ौरन बाद उच शरीफ में अली हसन गिलानी साहब जो कि साबिक MNA हैं उनके पास एक बहुत बड़ा इज्तमा होगा जी। उसके साथ साथ और भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिसमें राजनपुर, जामपुर के भी उनका रवानगी का प्रोग्राम की आमद है जी, और मुजफ्फरगढ़ में भी एक हिस्टोरिक जलसा होने जा रहा है जी। तो हम दुआगो हैं कि मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब की क्यादत में चेयरमैन बिलावल साहब का यह दौरा जो है वो उसी तरह गुजरे जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत एक्सपेक्ट करी है जी। बिल्कुल तवक्को है बिलावल भुट्टो के जलसे की, जो तैयारियां की जा रही हैं बड़े जोर शोर के साथ की जा रही हैं, लोग यहां पर मौजूद हैं, जिली क्यादत यहां पर मौजूद है, जनूबी पंजाब की क्यादत मौजूद है, जलसा गाह की तैयारियों को फाइनलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि दौरा 3 रोज़ा दौरा है और 3 रोज़ा दौरों में बिलावल भुट्टो ना सिर्फ रहीम यार खान बल्कि वकला तमाम बरादरी जिसमें वकला सहाफ़ी मजदूर तमाम जो डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेंगे जी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।